चलिए एक्सरसाइज जो है और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और आपको जो है ये जितना क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो है कुछ फंडामेंटल फार्मूला आना चाहिए। मैं वो फार्मूला को आपको बता देना चाह रहा हूँ कि वो आपको आना ही चाहिए, तभी आप पूरा क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो फार्मूला मैं साइड में जो है लिख रहा हूँ, आप लोग जो है नोटिस करें कि साइन मीन्स कि ये कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/ क्या साइन ए लिख सकते हैं, और कोस ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/ क्या सेक ए लिख सकते हैं, कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/ साइन ए, और कोस ए 1/ सेक ए, टेन ए को साइन ए 1/ कोस ए लिखा जा सकता है, और या टेन ए को हम 1/ कोट ए भी लिख सकते हैं। टेन ए का अपोजिट 1/ कोट ए होता है, कोट ए इज इक्वल टू कोस ए 1/ साइन ए होता है, और कोट ए को हम लोग का अपोजिट 1/ टेन ए भी लिख सकते हैं। सेक ए को 1/ कोस ए, साइन ए को 1/ कोसेक ए, जैसा कि हम लोग कोसेक को 1/ साइन, तो मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट है। और ये फार्मूला तो आपको आता ही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जितना भी क्वेश्चन है उसको प्रूफ करने के लिए इतना आपको आना ही चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको इसको याद कर ही लेना होगा। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कैसे हम लोग आसान तरीके से प्रूव कर पाते हैं। इसको हम लोगों को देखना होगा पहले LHS और RHS में क्या रिलेशन दिख रहा है हमको। ये दिख रहा है कि हमको ये सभी को साइन और कोस में ही चेंज करना होगा, क्योंकि RHS के तरफ जो है कोस है, तो ये सबको हम लोग चेंज कर देते हैं किस में। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/ क्या साइन थीटा, 1/ साइन थीटा, माइनस कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस थीटा 1/ क्या साइन थीटा, जैसा कि हमने उधर पहले ही आपको बता दिया है, का होल स्क्वायर। और ये है हमारा LHS इज इक्वल टू, और इसको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर करेंगे, क्या एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर से सॉल्व करेंगे इसको, इसका LCM क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस क्या कोस थीटा हो जाएगा। का होल स्क्वायर है उसको हम यहीं चेंज कर देते हैं, ये ऊपर वाला का होल स्क्वायर और ये नीचे का होल स्क्वायर, नोमिनेटर का टोटल का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का टोटल का होल स्क्वायर, मीन्स कि यहाँ माइनस 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग इसको दो बार लिख सकते हैं, जैसे अगर 2 का स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर है तो इसको 2 × 2 लिखते हैं, तो इसी तरह से ये 1 माइनस कोस का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू क्या 1 माइनस कोस थीटा, दो बार लिख दिए। और ये साइन का होल स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा ये एक ही बात है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, जब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस हम लोग यहाँ कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब जब ये ऐसा लिख दिए हैं इसका मतलब 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब ये किस में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको आपको उतारते जाना है, कॉपी करते जाना है, 1 माइनस कोस थीटा और ये 1 माइनस कोस थीटा, ये हम उतार लिए। अब नीचे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा और एक प्लस में लेंगे, 1 प्लस क्या कोस थीटा लेंगे, और ये एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमको प्रूव करना था 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये क्या हो गया है प्रूव्ड, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया है, हम इसको प्रूव्ड कर दिए हैं। अब कितना आसान तरीके से प्रूफ किए हैं आप बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। सिर्फ यहाँ क्या करना है, आपको RHS और LHS दोनों में कंपेयर करना है कि क्या हम LHS में चेंज करें कि RHS
को ला पाएँ। तो यहाँ कोस हमको दिखा, तो ये सबको साइन और कोस में हम क्या किए, कन्वर्ट कर दिए और बहुत आसान तरीके से इसको प्रूव कर पाए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 2 को देखते हैं कि हमको प्रूफ करना है सेक थीटा, मीन्स कि कोस और साइन से कुछ रिलेशन है इसका। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ये इसको LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू इसका LCM आपको कर लेना है। क्या है LCM, तो इसका क्या हो जाएगा, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ये इसका LCM हो गया है। इसका LCM निकाल लिए दोनों का LHS में, और क्या किए, अब ये जो है LCM निकाल लिए, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन नंबर है। तो इसको कोस ए इंटू कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए, और क्या होगा, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 बार साइन ए आ गया है। जैसे कि अगर 2 बार आ जाए 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये 2 बार आया है, तो इसको हम लोग क्या किए, होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग को फार्मूला आता है, उसमें हम लोग तोड़ देंगे, और यहाँ कोस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 2 ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, क्या 2 ab साइन ए, ये हमको इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर क्या साइन स्क्वायर ए, और होल अपॉन इसको कॉपी कर देना है, जो हम लोग क्या लाए थे, LCM लेके आए थे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को कॉपी कर लेना है। अब जो है ये कोस ए, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, या कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये, और इसके जगह में क्या लिख देंगे, 1 प्लस, ये पहले से 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 साइन ए, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 लिखे हैं इस कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की जगह में 1 लिख दिए हैं, वहाँ फार्मूला आपको लिखा हुआ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, कोस ए 1 प्लस साइन ए को कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से हम लोग आगे जो है सॉल्व करेंगे, ये 1 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 क्या साइन ए अपोन क्या कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी 2 है, तो 2 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, इसके पास 1 प्लस, यहाँ सिर्फ 2 बाहर है, तो साइन ए और होल अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस क्या साइन ए। तो अब जो है क्या हो गया, ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये काट दिए। अब 2 अपॉन कोस ए, 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, 1 अपॉन कोस ए सेक ए, यहाँ देखते हैं हम लोग 1 अपॉन कोस ए इज इक्वल टू क्या है, सेक ए, तो 2 है ऊपर, तो इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ, 2 इंटू 1 अपॉन कोस ए, तो 1 अपॉन कोस ए के जगह में क्या लिख देंगे, सेक ए इज इक्वल टू आर एच एस, और ये हो गया क्या आपका प्रूव्ड, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा समझने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो फार्मूला आपको आना चाहिए, तो आप उसको रट ही लो। आप सिर्फ साइन कोस टेन का अगर ये फार्मूला याद कर लोगे तो बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। तो ये आपको हमको लगता है, आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी प्रूव दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम लोग अब जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।